Hello students, how are you all? Welcome to this session. Today's topic is in the continuation of our previous lecture, that is direct and indirect narration, in which we discussed the rules, basic rules, and how to convert direct sentence to indirect sentence. उसमें मैंने आपको बताया था कि direct sentence को हम indirect में कैसे change करते हैं और आपको किन बातों का ध्यान में रखना है कि जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें क्या करते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमास में जो बात हम बोलते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं और उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. और एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटेंस में मार्क कर लेते हैं जिससे कि हम आगे के फर्दर रूल जो है उसमें अप्लाई करते हैं. जैसे हम कल यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू कि कैसे करके चेंज ऑफ प्रोनाउंस, कि प्रोनाउंस को कैसे हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू. तो आज हम जो करेंगे सेकंड रूल करेंगे, वो भी मैंने आपको कल डिस्कस करा था कि किस तरह से हमने चेंज ऑफ टेंसेस करे थे. उसका फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा, उसको हम एज इट इज लिखेंगे. तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो वो वहाँ पे चेंज नहीं होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच. तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ और रूल आपको बता रही हूँ. याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनिए और यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से उसको और क्लियर हो जाएगा आपका. तो यहाँ पर अगर हमारा सेकेंड रूल था तो ये मैंने आपको कल बताया था चेंज ऑफ टेंसेस. तो इसका फर्स्ट रूल मैंने कल आपको बताया था कि अगर इफ जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो क्या होगा, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, सीता सेज, फॉर एग्जाम्पल सीता सेज सीता इज अ गुड गर्ल. कोई भी सेंटेंस हो सकता है, कोई भी टेंस में हो सकता है. तो इसमें आपको पता है कि ये क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब. ये क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब. सीता क्या हमारी स्पीकर है जो बोल रहा है, सब्जेक्ट. और ये क्या हमारी रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच. तो जब भी हम कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि विच वन इज़ योर रिपोर्टिंग वर्ब एंड विच वन इज़ योर रिपोर्टेड स्पीच. और सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्पीकर को बोलेंगे सब्जेक्ट. और यू कैन से स्पीकर, जो बोल रहा है वो क्या होगा, स्पीकर, वक्ता. ठीक है, अब हमें इसे चेंज करना है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है. तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में, क्या है ये हमारा प्रेजेंट टेंस. दिस इज इन प्रेजेंट टेंस. तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ, सीता सेज दैट रीता इज अ गुड गर्ल. ठीक है, और आपको रूल पता है क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं और उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, दैट.
तो ये हमारा डायरेक्ट है, इसको अभी हम इनडायरेक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, सीता सेड दैट सीता सेज दैट रीता इज अ गुड गर्ल। इसमें कोई टेंस आपको चेंज नहीं करना है, आपको एज इट इज सेंटेंस को लिखना है। सीता सेज, इन्वर्टेड कॉमास हमने रिमूव कर दिए हैं और सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करा है। खाली कब चेंज करेंगे, जब ये पास्ट टेंस में होगा। सिमिलरली इन फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस में होगा, जैसे रवि विल से, इसी को लिखते थे, हरि इज ए ऑनेस्ट बॉय या इंटेलिजेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, या गुड बॉय। अब यहां पे क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है हमारा से, और विल क्या है फ्यूचर टेंस, तो यहां पे क्या है हमारा ये फ्यूचर टेंस में, ये डायरेक्ट है और ये क्या हमारा फ्यूचर टेंस है। तो मैंने रूल में क्या बताया था आपको कि अगर फ्यूचर टेंस में होगा या प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी आपका चेंज नहीं आएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा रवि विल से दैट हरी, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल लेटर लेंगे, अदरवाइज स्मॉल लेटर से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और क्या हो जाएगा दैट हरी इज ए गुड, यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं करा। बस आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें होना चाहिए, फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में। यहां पे क्या हमारा ये फ्यूचर टेंस में है। तो रूल क्या है हमारा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच, जो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको एज इट इज सेंटेंस को लिखना है। खाली आपको रिमूव करने हैं इन्वर्टेड कॉमास और कंजेक्शन दैट का यूज करना है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। सेकेंड रूल है चेंज ऑफ टेंसेस का, फर्स्ट रूल था, सेकेंड रूल है अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट टेंस में है तो कैसे करके हमारे जो हैं टेंसेस चेंज होंगे। खाली हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं होते हैं, अदरवाइज जो है ये चेंज हो जाते हैं। अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, पास्ट टेंस में, तो क्या होगा जो रिपोर्टेड स्पीच है चेंज हो जाएगी। अब कैसे चेंज होगी, प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो इस तरह से जो है वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस।
बस आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें होनी चाहिए, शुड बी इन पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा हमारे रिपोर्टेड स्पीच में। अब फर्स्ट वन इज योर कि अगर रिपोर्टेड स्पीच किसमें है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट तो किस में चेंज हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट टेंस में। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच, अभी मैं सेंटेंस लूंगी, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, तो चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस हम यूज करते हैं, या हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज योर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वॉज और वर में चेंज हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। फॉर एग्जाम्पल, रवि सेड अब ये किस में हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो गया, सेड आई गो टू स्कूल। सपोज दिस इज योर एग्जाम्पल कि रवि ने क्या कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, तो ये क्या होगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, सेड, अगर यहां पे सेज होता तो कोई चेंज नहीं होता, विल से होता कोई चेंज नहीं होता, बट यहां पे क्या है, पास्ट टेंस में है, सेड किसमें है, ये पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा, पास्ट टेंस में। और ये क्या है हमारी, रिपोर्टेड स्पीच, अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, अब हमें इसका टेंस देखना है, तो टेंस क्या है हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब हमें इसमें किसको चेंज करना है, मैंने रूल बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो इट बिकम, ये हमारा डायरेक्ट है, अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, रवि सेड दैट, अब मैंने बताया था चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यस्टरडे आई टोल्ड यू कि प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउंस बताए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा यहाँ पे प्रोनाउन होता है रिपोर्टेड स्पीच का, जो फर्स्ट पर्सन होता है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये कल मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि इसका जो प्रोनाउन होता है रिपोर्टेड स्पीच का, जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, रवि, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ही, तो ये इट बिकम रवि सेड दैट, ही गो का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, वेंट, वेंट टू स्कूल। ये आपके समझ में आ गया कि कैसे करना है यहां पे चेंज,
जो प्रोनाउन यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पर्सन यूज करा है रिपोर्टेड स्पीच में, कल मैंने चेंज ऑफ प्रोनाउन समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? रवि। तो रवि के लिए क्या यूज करेंगे? ही। तो आई का यहां पे क्या हो जाएगा? ही। गो का क्या हो जाएगा? वेंट। तो रवि सेड दैट ही वेंट टू स्कूल। तो प्रेजेंट टेंस का क्या हो गया? पास्ट टेंस। ये कब करना है हमें? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें होगा? पास्ट टेंस में होगा। सेड अगर सेज होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सेकेंड इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो इट चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, या कोई भी वर्ब ले सकते हैं। तो ये चेंज हो जाएगा हमारे वॉज और वर्ब में चेंज हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अगर ये क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो जाएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगी। तो हमारे क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंस है, टीना सेट आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है? रीता ने क्या कहा? आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये क्या हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, ठीक है? रीना सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। तो अब ये क्या है हमारा? सबसे पहले हमने क्या देखना है कि ये जो है हमारा किसमें है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। तो सेम हम इसको किसमें चेंज कर देंगे? वॉज और वर्ब में चेंज कर देंगे, ठीक है? तो रीना सेड रिपोर्टिंग, तो रीना सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? आई। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये यहां पे चेंज हो जाएगा। तो यहां पे रीना है, तो रीना के यहां पे क्या हो जाएगा? शी। क्या हो जाएगा यहां पे? शी। ये सब्जेक्ट है। तो यहां पे हमें क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो है हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट दैट रीना सेट दैट शी वॉज राइटिंग अ लेटर। यहां पे क्या होगा? ये फर्स्ट पर्सन है,
तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करेंगे तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि किसके अकॉर्डिंग। तो आपको इजी हो जाएगा कि यहाँ पे, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ही लगाना है, शी लगाना है, क्या लगाना है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे राम होगा तो ही आ जाएगा, यहाँ पे रीना है तो क्या आ गया, शी, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो रीना सेड दैट शी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पास्ट टेंस होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब, उसके अकॉर्डिंग हमें टेंस चेंज करना है। अगर यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा, तो आपको नहीं चेंज करना है। तो ये हमारे इसी तरह से हम अब प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हमें वहां पे भी यही देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड इज योर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट जब टेंसेस करे होंगे तो पता होगा इसमें क्या लगाते हैं हम, हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज हैव। जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो यहां पे आ जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब करेंगे हम, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा, तो ये वाले चेंजेस किस में आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। किस में आएंगे ये चेंजेस, रिपोर्टेड स्पीच में। कब आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा हमारा, पास्ट टेंस में होगा। तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल ही सेड, द बॉयज हैव डन देयर वर्क। ही सेड द बॉयज हैव डन देयर वर्क। अब यहां पे क्या हमारा सेड क्या है, पास्ट टेंस में, तो हम इसको चेंज करेंगे, ही सेड दैट द बॉयज ऐसे रहेगा, द बॉयज हैड डन देयर वर्क। हैव का क्या हो जाएगा यहां पे, हैड डन देयर वर्क। द बॉयज हैव डन देयर वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंस किस में चेंज हो जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, और हैव का क्या हो जाएगा हमारा, हैड हो जाएगा। तो इससे से प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसमें हम क्या यूज करते हैं, यहां पे किस में चेंज हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहां पे आपके टेंसेस भी रिवाइज हो जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव, इसके साथ हम यूज करते हैं बीन,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, ही सेट द बॉयज हैव बीन डूइंग देयर वर्क, द बॉयज हैव बीन डूइंग देयर वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही सेट दैट द बॉयज हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन डूइंग देयर वर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो आज हमने ये बताए चेंजेस जो हैं टेंस में कैसे होते हैं, चेंज ऑफ टेंसेस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट टेंस में होता है तो हम जो है रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से चेंज करते हैं टेंस, वो मैंने अभी आपको बताया है। इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको इसी इस लेक्चर को आपको देखना है तो आप उत्तराखंड के दूरदर्शन YouTube चैनल में देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।